हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कीबोर्ड से हम हिंदी में लिख सकते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चंस थे कि सर कुछ ऐसा लेके आइए, कुछ ऐसा बताइए कि इंग्लिश के कीबोर्ड से हम हिंदी में टाइप कर सकें। तो गाइस फाइनली वीडियो लेके आया हूँ मैं जो इंग्लिश से हिंदी में टाइप कर सकते हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रोम पे हम लिखेंगे गूगल इनपो टूल्स इन हिंदी और एंटर। ये प्रेस करने के बाद गाइस कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमारा पहला लिखा है गूगल हिंदी इनपुट सेटअप। गाइस ये फाइल हमें डाउनलोड करना है। इसको प्रेस करने के बाद कुछ ऐसा पेज हमारे सामने आएगा। तो ये फाइल हम डाउनलोड करेंगे। ये एक जिप फाइल है। डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, ये कोने में देख सकते हो राइट हैंड साइड में। प्रेस करेंगे इसको डाउनलोड। जैसे ही डाउनलोड करेंगे सो डाउनलोड हो रहा है गाइस। ओके, आप देख सकते हो राइट हैंड साइड, ये आप देख सकते हो यहाँ पे हो चुका है गूगल हिंदी इनपुट सेटअप। गाइस इधर देख सकते हो भी नॉर्मल फाइल से अलग है। अलग क्या है देख सकते हो, इसमें अलग ये है कि यहाँ पे चैन लगा हुआ है। इसको बोलते हैं जिप फाइल। इस फाइल को पहले नॉर्मल फाइल करने के लिए हम राइट प्रेस करेंगे, उस फाइल पे जाकर ट्रैक ऑल करें, यहाँ से करेंगे एक्सट्रैक्ट। जैसे करोगे एक नॉर्मल फाइल बन जाएगा। हमारे पास नॉर्मल फाइल आ चुका है ये। इसको ओपन करेंगे और ये दोनों सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे। इसको प्रेस करेंगे एंड ये हो चुका है। नाउ नेक्स्ट टूल की बात करते हैं गूगल, तो भी हम इंस्टॉल करना से और ये हमारा फिनिश हो चुका है। फाइनली हमारा ये चीज़ इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों हम चलेंगे वर्ड पे और वहाँ पे लिखेंगे मेरा नाम राज है। सो गाइस ये तो नॉर्मल है। अब इसको हिंदी में लिखने के हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऑल्ट शिफ्ट। ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करेंगे और उसके बाद लिखेंगे मेरा नाम राज है और इसको हम यहां से कर देंगे। सो गाइस आपने देखा वो सॉफ्टवेयर कितना यूजफुल है। अब यह कोने में देख सकते हो आपके पास ऑप्शंस हैं। अब इसको दोबारा से इंग्लिश में करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑल्ट शिफ्ट जैसे प्रेस करोगे हमारे पास अब मेरा नाम राज है। इजी है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सीखो और शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।